कोरोना वायरस का खौफ पूरी दुनिया में बना हुआ है। हर कोई इससे बचने के लिए एहतियात बरत रहा है। वहीं वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अब लोग भगवान की शरण में जा रहे हैं। इसी को लेकर भाजीमो द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुके कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी जारी कर विशेष सतर्कता बरतने का आदेश दिया है, जिसके तहत भीड़ भाड़ वाले स्थलों को फिलहाल बंद रखने का सुझाव दिया गया है। इसी को लेकर इंदौर में भी तमाम स्कूल, मॉल एवं सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया है। देश में तेजी से पांव फैलाती इस महामारी को रोकने के लिए भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य महेंद्र ठाकुर द्वारा आज एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान से इस महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने की प्रार्थना की गई। अभी संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित है और पूरे विश्व में यह महामारी पूर्ण रूप से फैल रही है। हमारा भारतवर्ष सनातन हिंदू पद्धति को मानता आया है और मानता रहेगा। यहाँ पर हर चीज़ का आप मान सकते हैं कि तोड़ है कि हिंदू पद्धति में किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ को हम उसको तोड़ सकते हैं। उसी के उसमें उपलक्ष्य में हमने ये आयोजन रखा है कि कोरोना वायरस हमारे देश में और हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में और पूरे विश्व की शांति के लिए कि कोरोना वायरस जल्द से जल्द ख़त्म हो, उसके लिए हमने यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया गया है। मेरा मानना है कि दवाई गोलियों ये तो अपना एक विकल्प है ही सही, लेकिन यज्ञ कुंड जो हमारे वर्षों से ऋषि मुनि करते आ रहे हैं, वर्षों से हमारे सनातन धर्म में ये माना गया है कि हर चीज़ को प्राकृति से जोड़ा गया है और प्राकृति खुद इतनी पावरफुल है कि छोटी मोटी चीज़ों को या ऐसे वायरसों को या जीवाणु को ऐसे वो ख़त्म कर देती है। तो ये यज्ञ का आयोजन इसीलिए है, लेकिन एहतियात के तौर पर हमें विज्ञान को भी मानना चाहिए और जो भी प्रशासन चाह रहा है सुविधा, मास्क, सैनिटाइजर, इनका भी उपयोग करते रहना चाहिए। वहीं हवन करवाने वाले पुजारी श्याम सुंदर पांडे ने बताया कि भारतीय संस्कृति में हवन का एक अलग महत्व होता है और इसमें काफी ताकत होती है। इससे निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। ये जो यज्ञ हो रहा है, ये संपूर्ण विश्व में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, यज्ञ करने का मेन मुख्य जो उद्देश्य है, अपन लोग वैसे तो सावधानियां रख ही रहे हैं, लेकिन हमारे महेंद्र ठाकुर जी ने बताया कि क्यों पंडित जी, क्यों ना एक कोई यज्ञ किया जाए। हम लोग भारतीय संस्कृति में यज्ञ के अंदर वो इतनी सारी जड़ी बूटी हैं, जैसे तिल हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया, इनसे हवन करने से जो भी ये धुआँ फैलता है हमारे आस पास वायुमंडल में, तो इससे हमारा वातावरण शुद्ध होता है। और जो ये कोरोना वायरस में जीवाणु विषाणु है, जब ये हमारे आसपास ये दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन वायुमंडल में जब ये धुआं जाएगा तो इसको नष्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए ये यज्ञ किया जा रहा है ताकि हमारा वातावरण शुद्ध रहे। अभी चूँकि कोई हमारे जो साइंटिफिक डॉक्टर लोग हैं, इसका कोई उपाय नहीं ढूंढ पाए हैं, जिसके कारण इसका हवन कर रहे हैं, जिसके कारण हमें कुछ ना कुछ राहत। कुल मिलाकर कोरोना वायरस ने जिस तरह से दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है, उससे लोगों में काफी डर देखा जा रहा है। लिहाजा सरकार के साथ साथ आम जन भी अपने हिसाब से इससे निपटने की तैयारियां कर रहा है। आपको बता दें कि दुनिया भर में अभी तक हजारों लोग अपनी जान इस महामारी के कारण गंवा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।